वक्त की बेहद अहम और बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ से मिल रही, जहां पर डिप्टी सीएम ने सिविल अस्पताल का निरीक्षण किया है। आपको बता दें, डिप्टी सीएम बृजेश पाठक पहुंचे हैं सिविल अस्पताल, वहां पर निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हैं। डिप्टी सीएम ने अस्पताल का निरीक्षण किया है। इस वक्त की बेहद अहम और बड़ी खबर, सिविल अस्पताल में गंदगी और अव्यवस्था का अंबार लगा हुआ है। स्ट्रेचर की कमी की खबर आने के बाद आपको बताएं, इसका जायजा लिया गया है और पिता को गोद में ले जाते बेटी की तस्वीर जो देखी थी उस पर निरीक्षण किया गया है। डिप्टी सीएम ने अस्पताल प्रबंधन से पूछताछ भी की है। लखनऊ से बड़ी खबर और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राहुल श्रीवास्तव हमसे जुड़ गए हैं। राहुल, निरीक्षण करने पहुंचे हैं डिप्टी सीएम, और ऐसे में क्या कुछ मामला था जिसको लेकर के औचक निरीक्षण? देखिए, स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी मिली है बृजेश पाठक को, तो निश्चित तौर पर लगातार एक्शन मोड में है। कल एक तस्वीर वायरल हुई थी जिसमें एक पिता अपने बच्चे को स्ट्रेचर ना मिलने की बात कह रहा था, जिसका संज्ञान लेकर आज डिप्टी सीएम बृजेश पाठक पहुंचे हैं सिविल अस्पताल। वहां पर उन्होंने अस्पताल का निरीक्षण किया है और अधिकारियों को जांच चौबंद व्यवस्था करने के निर्देश दिए। उन्होंने साफ साफ कहा है कि कोई भी मरीज और उसके दीमारदार को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। साथ ही साथ उन्होंने जो अस्पताल में गंदगी मिलने पर वहां पे अधिकारियों को फटकार भी लगाई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी मंत्रियों को 100 दिन का एजेंडा दिया है कि 100 दिन में अपने जो भी विभाग दिया गया उसमें वो बेहतर काम करके दिखाए, जनता से जुड़ी जो भी समस्याएं उनको दूर कर। तो इसी क्रम में सिविल अस्पताल पहुंचे हैं बृजेश पाठक, वहां निरीक्षण किया है और अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि किसी भी तरह की कोई भी परेशानी मरीजों उनके दीमारदारों को नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लखनऊ राजधानी है, यहाँ पर अन्य जनपदों से भी लोग इलाज कराने आते हैं, तो ऐसे में उनको प्रॉपर तरीके से चिकित्सा सुविधा मिले इसको लेकर ये निरीक्षण था। अधिकारियों को निर्देश दिए बृजेश पाठक ने। बिल्कुल, चिकित्सा सुविधा मिले और ऐसे में औचक निरीक्षण अपने आप में अहम हो जाता है, जब इस तरह की तस्वीरें जब वायरल हो कि जब एक पिता अपनी बेटी को गोद में ले जाता हो नजर आए, स्ट्रेचर की कमी हो, गंदगी का अंबार उस अस्पताल में लगा हो, तो ऐसे में औचक निरीक्षण बनता है। आपका शुक्रिया राहुल हमसे जुड़ने के लिए और इस पर तमाम जानकारी देने के लिए। तो इस वक्त की बेहद अहम और बड़ी खबर आपको बता रहे थे लखनऊ से, जहां पर डिप्टी सीएम ने अस्पताल का औचक निरीक्षण किया है। एक तस्वीर के वायरल होने के बाद वो सिविल अस्पताल में पहुंचे, जहां पर गंदगी और अव्यवस्थाओं का अंबार लगा हुआ था, जिसको लेकर के अधिकारियों और जो डॉक्टर्स हैं, संबंधित अधिकारी हैं, उनको वहां पर डांट भी पड़ी है, उनको फटकार लगाई है और ऐसे दिशा निर्देश दिए हैं कि अब आगे से इस तरीके का जो प्रबंधन है वो नहीं चलेगा।